हूँ और मेरा नाम नेहा परवीन है। देखिए प्रोग्रामिंग है बढ़ती जनसंख्या के बारे में है, जैसे कि आपने देखा होगा घर है तो घर में रहने के लिए लोग ज्यादा हैं, घर छोटे हैं, खाने में कमाने वाला एक है, खाने वाले इतने लोग हैं और नौकरी में एक शेयर है और लाइनें लगी पड़ी, यहाँ तक लोगों का नंबर भी नहीं आ पाता। हॉस्पिटल में आपका खर्चे हो, जब ज्यादा बीमार लोग होते हैं तो एक एक बेड पर तीन तीन लोग पड़े होते हैं, तो ज्यादा बीमार से होने और ज्यादा बीमार पड़ जाता है, ये परेशानी होती है। इसके बेनिफिट क्या क्या है? कहते हैं कम करना चाहते हैं तो जॉब के लिए सरकार से किया जाए कि थोड़ा बढ़ाया जाए, जॉब का ऑप्शन थोड़े बढ़ाए जाए, हॉस्पिटल में थोड़ी मैनेजमेंट ज्यादा होनी चाहिए और जो बढ़ती जनसंख्या है उसको तो खैर हम खुद ही को कंट्रोल करें। पॉल्यूशन 50% ये हमारे घर को पानी नाली में जाता है, एक एक ही औरत को आना चाहिए, इसमें से एक ही लोग आ सकता है। ये जिम्मेदारी हमारी है। मेरा नाम पूजा है, अभी ये सेल्फी। इसके क्या यूज हैं? एक हाँ, हम एस एम डिग्री कॉलेज से बीएससी सेकंड के और हमारा ये जो मॉडल है फॉर मिडवाइफ इमेज फॉर मिडवाइफ लेंस, ठीक है। पहले तो हम इसमें इमेज देखेंगे, ये हमारी इमेज हमारी क्रिएटिव बनी है, इसके अंदर हमने उस लेंस का यूज किया है जो जिससे प्रकाश वस्तु की वस्तु से उल्टा बनाता है, प्रतिबिंब उसका उल्टा बनता है और वास्तविक बनाता है। यहां पर दीवार को ऐसे रखा है, अगर हम उल्टा रखेंगे इसको तो हमारी सीधा बनेगा और अगर हम ये सीधी रखेंगे तो इसका ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ये हमारी प्रिंसिपल अक्ष है, जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मतलब प्रकाश की रेज आती है तो उत्तर लेंस से मतलब अपवर्तन के पश्चात हमारी सेकंड फोकस पर केंद्रित हो जाती है, जिससे हमारा प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। इसके क्या यूज हैं, बेनिफिट्स क्या है? इसके दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी और प्रोजेक्टर के रूप में और बहुत सारी और उसकी सुविधा वगैरह मतलब करेंगे आपका नाम? अंजना गोस्वामी। आप कौन से कॉलेज से हैं? एसएम कॉलेज। इसके बेनिफिट्स क्या है प्रोजेक्ट के? इससे बेनिफिट्स ये है कि गांव का विकास होगा तो हमारा देश का विकास होगा, क्योंकि ओके।